पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। आवाज क्या आ रही है? क्या बात, मैं एक ही रूम में करती हूँ। और मतलब अभी फिलहाल मैं पहले बाहर आई थी, नॉर्मली जब अम्मा स्कूल चली जाती थी तब करती थी, क्योंकि मेरे से नहीं होता है कोई मुझे देखे, और तब मेरे से कुछ बना रील्स वगैरह बनते नहीं है। मेरा ग्रोसरी का सामान आया तो, और मेरे साथ साथ सामी इसका भी आया है, दादा का भी आया है, तो मैं दादा वाला अनबॉक्स नहीं करूँगी, और चले मेरा वाला फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले ना मैंने नुहा के लिए पैम्पर्स ऑर्डर किया था, और साइज मीडियम, नुहा को मीडियम लगता है, वैसे एल भी उसका हो ही जाता है लगभग, बट मैंने मीडियम किया था। और एक इसमें से ग्रोसरी में ये सब मुझे बहुत ही सस्ता में मिला, ये ओनली मुझे 30 रुपीज़ में मिला। एंड बेटा दिखाओ इधर, दिख खून निकालिए, बाकी सब सामान निकालिए। उस तरह से मत करो बेटा। और नेक्स्ट एक मैंने ये चॉपर किया है, चॉपर नहीं है ये, इस पे रख के आप इसे, इससे जो है अदरक आप आराम से मतलब ऐसे घस घस के इसको गूढ़ा कर सकते हो। और ग्रोसरी में ये आपको 1 रुपीज़ में मिल जाता है, अगर आप पैम्पर्स वगैरह कुछ ऑर्डर करते हो तो ये ओनली 1 रुपीज़ का मुझे मिला। नेक्स्ट देखें शुगर, ये भी मुझे 1 रुपीज़ प्राइस का, 1 रुपये में शुगर। बस इतना ही सामान था। और हाँ 1 रुपये में ये आप अगर गाइस ग्रोसरी में ऑर्डर करोगे ना, बच्चों का पैम्पर्स वगैरह कुछ भी आप जैसे ऑर्डर करते हैं, आपका 800 से ऊपर जाना चाहिए। अगर 800 से ऊपर चला जाता है आपका, तो आपको फ्री में 1 रुपीज़ में 2 सामान मिल जाता है। ये स्टार्टिंग में ही होता है, पहले पहले तो और भी मिलता था, जब ये ग्रोसरी का न्यू फ्लिपकार्ट लेके आया था ना, तब जो है तब 2-3 मतलब शुगर, अभी जैसे शुगर दे रहा है और उस टाइम पे दूसरा चीज़ देता था, और मतलब और भी महंगा चीज़ देता था, और भी ज़्यादा देता था। उस टाइम आटा देता था, हम लोग को बहुत बार आटा मिला, बड़ा बड़ा पैकेट, जैसे चक्की आटा वाला हुआ, नहीं तो आटा है छोटा नहीं, बड़ा पैकेट सब, ये वाला का पैकेट, लाइक इतना बड़ा पैकेट सब बहुत बड़ा आटा का देता था, फिर उसमें फिर शुगर भी होता था ना, फिर एक अलग पैकेट से शुगर देता था। तो पहले बहुत सारा चीज़ मिलता था। तो गाइस ये हमने मेला से इस तरह का एक लिया है जो 80 रुपीज़ पड़ा है जिसका, और ये 30 रुपीज़ में पड़ा है। ये भी मैं 249 तो सस्ता में मिला है। तो गाइस ये वाला यहाँ पे बंद करते हैं, और दादा का भी सामान है, इसको भी देख ही लेते हैं। दादा का ग्रोसरी, दादा कुछ ऑर्डर किए थे तो पता नहीं दादा क्या किए हैं ना, दिखाए वाला खोले, ये दादा का सामान है। तो दादा तो अभी घर पे है नहीं, दादा कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की। हाँ दादा का कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऑफर दिया नहीं है ना क्या? हाँ तो उसमें भी फ्री में मिला है, दादा को भी शुगर फ्री में मिला है, शुगर के साथ और भी कुछ मिलेगा। और निकालिए और दिखाइए, दादा को छोटा वाला दिया है, बस दादा को शुगर ही दिया है और कुछ नहीं दिया है। मेरा 1000 रुपीज़ का था ना, उसका कम था सर, इसीलिए और मुझे ये वाला शुगर दिया। दादा अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा आपका शुगर छोटा वाला है, मेरा शुगर बड़ा वाला है। आपके जी तुम्हारे की, और मेरा इसमें ये भी था, काजू भी, किशमिश भी था। चलो गाइस ठीक है, अब ना मेरा और भी सामान आएगा तो आप सबको मैं वो वाला सामान सब शेयर करूंगी। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। टाटा कर दो बाबा को। हे गाइस, सो आज का वीडियो में मैं अपना जो है रील्स बनाने के लिए जो मेरा थोड़ा सा मैं जो सेटअप प्लग यूज करती हूँ वो मैं कैसे करती हूँ तो मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ आज। और मेरा कुछ खास मतलब ऐसा नहीं है, क्या हुआ, मैं एक ही रूम में करती हूँ, और मतलब अभी फिलहाल मैं पहले बाहर आई थी, नॉर्मली जब अम्मा स्कूल चली जाती थी तब करती थी, क्योंकि मेरे से नहीं होता है कोई मुझे देखे, और
तब मेरे से कुछ बना रील्स वगैरह बनते नहीं है, तो मैं ऐसे अकेले करती हूँ। तो और अभी फिलहाल कुछ दिन से मैंने रात का टाइम छोड़ा है, क्योंकि दोपहर के टाइम पे अभी स्कूल वगैरह सब कुछ बंद है, तो हम घर सबको घर पे रहते हैं तो मेरे से हो नहीं पाता है। तो मैंने रात के टाइम के लिए कुछ जुगाड़ किया, तो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे जुगाड़ किया है, और मेरे दोनों बच्चे मेरे आसपास मतलब किस तरह से भटकते रहते हैं, और अपना बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ। मैंने कुछ अभी वैसे कुछ खास किया नहीं है कि बैकग्राउंड चेंज करना वगैरह वगैरह कुछ नहीं किया, तो जैसा है मैंने बस वैसे ही रखा है। तो मैं आप सबसे अपना वही वाला चलो दिखाती हूँ मैं कि कैसे कैसे की हूँ। ओ ओ ओ ओ बैक कैमरा ऑन नहीं हुआ, सॉरी सॉरी गाइस। ओ हियर इज माय सेटअप। तो मैंने कुछ एक जो है ना मेरा रिंग लाइट का ये जो ना ये टूट चुका था, ये बहुत ये वाला मेरा पहले का ट्राइपॉड था जो टूट चुका था, तो मैं अभी इसी पे ये रिंग लाइट बहुत देर तक ढूंढने के बाद मुझे मिला। तो मैं इसको ना बस यहाँ पे ऐसे जो है लगा के, ये टूट चुका है तो इसको ऐसे रख नहीं सकते, और बच्चे अगर थोड़ा सा हिला देना तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसको वैसे मुझे कहीं पे रखना है ऐसे इसी तरह से हैंडल करना है। ओके ये हिल क्यों रहा है भाई। तो इसको ना मैं सही से रख नहीं पा रही हूँ, बट रखना तो पड़ेगा। ओके मैं यहाँ पे ऐसे अगर सेट करूँ तो भी क्या। ओके ये कुछ इस तरह से हुआ, ये कुछ इस तरह से ये भी घूम जा रहा है। और यहाँ पे मैं फ़ोन रखने वाली हूँ, और यहाँ पे मैं बैठ के बनाने वाली हूँ रील्स। तो शुरू करते हैं, और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे खाने बैठे हैं, तो कुछ इस तरह से दिखता है। और बस तो मैं जो है ऐसे कुछ सेट करती हूँ। क्या अभी बोलो, कुछ बोलना चाहते हो क्या। सो गाइज अब मिलते हैं बाद में, क्योंकि मैंने जो सेटअप किया तो देखती हूँ इस पर कि मेरा कैसे काम कर रहा नहीं कर रहा, फ़ोन एक ही है तो मुझे इसको थोड़ा रोकना पड़ेगा। और बस तो रोकते हैं क्या। ओके ओके ओके, ओके.